स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से एग्जांपल नंबर 13.5। आइए स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। ट्रिटियम हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 12.5 इयर्स अंडरगोइंग बीटा डीके। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ सैंपल ऑफ प्योर ट्रिटियम विल रिमेन अनडिकेड आफ्टर 25 इयर्स। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हमें ये दिया गया है कि ट्रिटियम जिसका बीटा डीके हो रहा है उसका हाफ लाइफ 12.5 इयर्स है, ठीक है। प्योर ट्रिटियम के सैंपल का कितना फ्रैक्शन बचेगा 25 इयर्स के बाद, ये हमसे पूछा जा रहा है। मीनिंग हमें हाफ लाइफ दिया गया है जो कि 12.5 इयर्स है, और ये कहा जा रहा है कि अगर 25 इयर्स के बाद हम देखेंगे जो इनिशियल सैंपल था उसका कितना फ्रैक्शन 25 इयर्स के बाद बचेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। मान लेते हैं एन नॉट नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं सैंपल में इनिशियली, टी हाफ हाफ लाइफ है इस सैंपल की या इस मटेरियल की या ट्रिटियम की, ये कह सकते हैं। तो ये हमें दिया हुआ है हाफ लाइफ 12.5 इयर्स। तो इसको आपको ऐसे समझना है कि हाफ लाइफ की जो डेफिनेशन है वो क्या है। हाफ लाइफ वो पीरियड है जिसके बाद सैंपल का जितना भी साइज होता है उस सैंपल के जो आधे पार्टिकल्स हैं वो उस टाइम पीरियड के बाद डीके हो जाते हैं, ठीक है। मतलब एक सैंपल अगर मान लीजिए 1000 पार्टिकल्स का है तो टी हाफ मतलब हाफ लाइफ वो पीरियड है जिस टाइम के बाद वो 500 बचेंगे, मतलब 500 पार्टिकल्स अनडिकेड बचेंगे, 500 डिके हो जाएंगे, ठीक है। हाफ लाइफ वो पीरियड है। तो अगर एन नॉट इनिशियल है तो फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद मतलब पहले हाफ लाइफ के बाद कितना सैंपल में पार्टिकल्स बचेंगे, एन नॉट अपॉन 2। अगर हम सेकेंड की बात करें, सेकेंड हाफ लाइफ के बाद फिर से इतना ही टाइम बीतेगा, और इसके लिए सैंपल कौन था, एन नॉट अपॉन 2। जो प्रेजेंट न्यूक्लियाई थे या प्रेजेंट पार्टिकल्स थे वो कितने थे, एन नॉट अपॉन 2। इसका हाफ हो जाएगा कितने टाइम के बाद, जितने टाइम के बाद पहले हुआ था। तो पहली हाफ लाइफ के बाद एन नॉट अपॉन 2 हो जाएगा, सेकेंड हाफ लाइफ के बाद एन नॉट अपॉन 4 हो जाएगा, थर्ड के बाद एन नॉट अपॉन 8 हो जाएगा। बट हम देखते हैं हमें क्या करना है। हमें ये दिया गया है कि ये हाफ लाइफ है 12.5 ईयर्स। तो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया कि एन नॉट के 12.5 ईयर्स के बाद एन नॉट सैंपल के पार्टिकल्स कितने बचेंगे, अनडिकेड, एन नॉट अपॉन 2, ठीक है। फिर 12.5 ईयर्स ही बीतने के बाद एन नॉट अपॉन 2 के कितने हो जाएंगे, और हाफ हो जाएंगे। और हाफ का मतलब उसके लिए इनिशियल क्या था, एन नॉट अपॉन 2, और अभी कितना हो जाएगा, एन नॉट अपॉन 4। मतलब ये वो टाइम पीरियड होता है जिसमें प्रेजेंट न्यूक्लियाई जो भी होंगे सैंपल में वो हाफ हो जाएंगे एग्जैक्टली। इसको हाफ लाइफ कहते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि फर्स्ट हाफ लाइफ 12.5 ईयर्स है, सेकेंड हाफ लाइफ फिर से 12.5 ईयर्स लगेंगे इसको हाफ होने में। तो यहां से कितना टाइम स्पेंड हो गया, 25 इयर्स। तो हमें यही बताना था कि 25 इयर्स के बाद इस सैंपल का कितना पार्ट यहां पर बचेगा, ठीक है, अनडिकेड। तो हम लास्ट में पहुंच गए हैं। हमने एन नॉट इनिशियल माना था तो एन नॉट अपॉन 4 बचेगा, ठीक है। तो ये आंसर हमने राइट कर दिया कि सैंपल रिमेन अनडिकेड आफ्टर 25 इयर्स विल बी 1/4 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। मतलब इनिशियली वो जितने भी साइज का था, जितने भी पार्टिकल्स उसमें थे, उसका 1/4 हो जाएगा कितने टाइम्स के बाद, 25 इयर्स के बाद, ठीक है। तो आई होप बड़ा आराम से आपको समझ में आना चाहिए ये क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल था बट मैंने इसको थोड़ा सा लेंथी इसलिए किया है कि आगे भी जो क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस को आप समझ सकें। जैसे इसमें अगर ये कह देते 50 इयर्स के बाद क्या होगा, ठीक है ना, तो 50 इयर्स के बाद कितना बचना था, 12.5 पे ये हाफ हो गया, इसका हाफ होगा ना कि इसका हाफ होना है, ठीक है। तो जो इनिशियली प्रेजेंट है वो एन नॉट अपॉन 2 है, इसका हाफ होगा तो एन नॉट अपॉन 4 हो जाएगा, 12.5 इयर्स और बीत जाएंगे।
इसके बाद 12.5 इयर्स के बाद ये एन नॉट अपॉन 8 हो जाएगा, उसके बाद 12.5 इयर्स के बाद एन नॉट अपॉन 16 हो जाएगा। तो अगर 50 इयर्स की बात होती तो एन नॉट अपॉन 16 हमारा आंसर होता। तो जरूरी नहीं है कि ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाए, तो आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं बाकी क्वेश्चंस के साथ भी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।